तो दोस्तों अगर आप भी अपने घर पर बॉडी बनाना चाहते हैं, अच्छा बॉडी का मालिक बनना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं, दुनिया पर राज करना चाहते हैं, तो आपको किसी ना किसी फिजिकल वर्कआउट को ऐड करना पड़ेगा, पर रनिंग के साथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर का 75% एक्सरसाइज हो जाता है रनिंग से। जो व्यक्ति रनिंग करेगा उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मजबूत रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और दुनिया पर राज करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी बॉडी बनाना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में भार कर रखना चाहते हैं, तो आप रनिंग जरूर कीजिए। रनिंग के साथ हमारे बताए गए एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए और बवाल मचा दीजिए। तो चलिए आज हम लोग दंड पर बात करेंगे। दंड और बैठक दोनों किया जाएगा और अपने बॉडी को स्ट्रांग, मजबूत और ताकतवर बनाया जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ऐसे साधारण दंड, एकदम हाथ की हथेली को एकदम इस प्रकार से रख लेना है और एकदम टाइट और लंबा गहरा सांस लेते हुए आगे की तरफ निकल जाना है। इस वीडियो में दंड करते समय हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो सही तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। हर एक एक्सरसाइज को 10-10 बार करेंगे। ये एक्सरसाइज को करने से हमारे कंधे, हमारे सीने एकदम चौड़ा हो जाते हैं, एकदम भी आकार का शेप निकलता है। आप देख सकते हैं हमारे आदरणीय राममूर्ति जी, हमारे आदरणीय रामदेव बाबा, उनके गुरु पंजी महाराज जी, हमारे स्वामी रामदेव के गुरु हैं वो भी। उनका बॉडी आज भी देखिएगा एकदम युवा की तरह स्ट्रांग। आप भी अपना बॉडी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, मुद्दे में दम लाना चाहते हैं, तो हमारे बताए गए दंड बैठक को फॉलो कीजिए और दमदार बन जाइए। एक्सरसाइज नंबर 2, राममूर्ति दंड। आप राममूर्ति पहलवान को नाम सुने होंगे, बहुत ही बलशाली थे, अपने सीने पर हाथी का वजन सहन कर लिए थे और उनका कुछ नहीं बिगड़ा था। तो आइए हमारे उन आदर्शों को नाम से जो एक्सरसाइज है राममूर्ति दंड को फॉलो करते हैं, हम अपना ताकत बढ़ाते हैं। आगे जाना है श्वास भर के और पीछे आ जाना है। एक्सरसाइज नंबर 2, इससे हमारे गजब का एक शक्ति का अनुभव होता है, हमारे मन और हमारे बॉडी के साथ हमारे मन को भी मजबूत करता है, हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ाता है, ताकि हम किसी भी फील्ड में अड़े रहे, पूरा कंसंट्रेशन को बनाए रखते हुए किसी भी फील्ड में थम मचाते रहे। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 3, हाथ को कुछ इस प्रकार से ऐसे कर लेना है
और सबके पास खाना हो जाना और दिन तना दम मारना है। ये आपके भुजाओं को स्ट्रांग और बलशाली बना देता है। जो भी इस दंड को फॉलो करेगा वो बहुत ही स्ट्रांग और ताकत उनके अंदर आएगा। ये बाइसेप और ट्राइसेप को इतना स्ट्रांग कर देता है कि किसी भी चीज पर मारिएगा वो टूट जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4, जिसे हम हनुमान दंड कहते हैं। जो भी हनुमान दंड को करेगा उसके बैक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा और उनका शरीर लचीला बनेगा, रबड़ की तरह फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाएगा और कहीं से भी गिरेगा उसका शरीर फ्रैक्चर नहीं करेगा, टूटेगा फूटेगा नहीं, बहुत कम मात्रा में टूटेगा, क्योंकि जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उनका शरीर बहुत कम टूटता है, क्योंकि लचीलापन की वजह से जंप कर जाता है। तो आप भी हनुमान दंड लगाइए और अपने बैक को मजबूत कीजिए हनुमान जी की तरह, क्योंकि लोग बैक पर ही वार करते हैं। तो अगर बैक नहीं मजबूत रखिएगा तो कोई भी व्यक्ति आपको पीछे से वार कर सकता है। इसलिए अपने बैक को इतना मजबूत रखें कि वार फेल कर जाए। हनुमान दंड तो आइए मित्रों, हनुमान दंड के साथ 5वां एक्सरसाइज आपको वृक्षासन करना है। वृक्षासन एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। अब हम लोग वृक्षासन का दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। गजब का हमारे अंदर ताकत देता है, आपके पूरे बॉडी को अंदर से हिला कर रख देगा। बॉडी को अंदर से हिलने से क्या होगा कि आपके नस नाड़ी को स्ट्रांग बनाएगा, मजबूत बनाएगा। और ये सब एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक होने की खतरा 50% तक कम हो जाता है। यानी कि ये सब एक्सरसाइज करने वाले लोगों को हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकती, रोगों से अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती, रोगों पर विजय पाकर दीर्घ आयु बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वृक्षासन का दूसरा एक्सरसाइज चलते हैं पार्श्व दंड की ओर। अगर जो भी युवा पार्श्व दंड करेगा उनके शरीर में एक गजब ही प्रकार का लचीलापन आएगा, उनके टांग के स्ट्रांग बना देता है और कभी भी सटीका, बैक में प्रॉब्लम, मेरुदंड में कमी,
कभी नहीं होगा। आपके मेरुदंड को लचीला बना देगा और आपके जांग, कुल्हे, हिप, ठेहुना, घुटना सबको मजबूत बना के रख देगा। तो आप पार्श्व दंड कीजिए और अपने संपूर्ण शरीर को स्ट्रांग और मजबूत बनाइए मेरे दोस्तों। अब चलते हैं, बात करते हैं चक्र दंड के ऊपर। अगर आप भी चक्र दंड करते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में लचीलापन है। ऑलरेडी जिनके अंदर लचीलापन रहेगा वही इंसान चक्रासन को कर सकता है, वरना नहीं। तो आपके अंदर लचीलापन है तो चक्रासन कीजिए और अपने शरीर को स्कैन कीजिए। आप देखे होंगे कि कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर या मोबाइल पर स्कैनर होता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर शरीर को स्कैन करता है चक्रासन और हमारे शरीर को बलिष्ठ और लचीलापन प्रदान करता है। इससे चोट लगने की खतरा बहुत कम रहती है। तो चक्रासन को करने का तरीका, फिर दूसरे पैरों को इसी प्रकार से घुमाना है। तो ब्लड दंड इस प्रकार से किया जाता है। हमको भी अभी क्लियर नहीं मराता है क्योंकि ये सब बच्चे लोग ज्यादा तो आसानी से कर लेते हैं और हम लोग के थोड़ा सा टोन निकल गया है। इसी प्रकार से होता है, थोड़ा सा पेट किया जाने से सिर दंड करेंगे। सिर दंड में दोनों भुजा पर पूरा शरीर का भार देना पड़ता है और भुजा के बैलेंस बनाते हुए पैर को ऊपर की तरफ उछाल मारना पड़ता है शेर की तरफ। तो आप ऐसे कर सकते हो। भुलाई बदना पूजन कर, ये थोड़ा सा छूट गई बा, बड़ी थाकर एक्सरसाइज। बारह नंबर एक्सरसाइज मिश्र दंड। तो आज का संपूर्ण एक्सरसाइज पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।